नमस्कार, मैं आरके निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज 24। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के नैनी अंतर्गत मेवालाल की बगिया में, जहां पर बलिदानियों के नाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके उपलक्ष्य में जो है कुछ प्रोग्राम जो है रखा गया है। तो क्या है इस प्रोग्राम की पूरी अहमियत और क्यों रखा गया है, किस लिए रखा गया है, तो इस सारी बातों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो इसी कार्यक्रम के संचालक भी हैं और ये कहें कि हम जो है इसी कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, तो हम उनसे बात कराते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं हम आपको। तो आइए मिलाते हैं हम। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है भारत माता की फोटो के साथ और जो आपका बैनर है एक शाम स्वाधीनता बलिदानियों के नाम, और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं एकत्रित हैं और सब लोग जो है यहाँ दीप प्रज्वलित करके, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि बड़े उत्साहपूर्वक जो है भारत माता की जय के और वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। क्या प्रयोजन है और इसका क्यों रखा गया है, ये किसके उपलक्ष्य में रखा गया है ये दीप उत्सव का प्रोग्राम जो आपका चल रहा है? देखिए, पूरे भारत वर्ष में स्वाधीनता दिवस के 75वें दिवस पर अमृत महोत्सव चल रहा था और अब ये चल रहा है, और उसमें हमारे देश में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई कि हमारे जो कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जिसे कहते हैं बिपिन रावत जी अपनी धर्म पत्नी के साथ जो एक हादसा हुआ B-5 एयरक्राफ्ट में उनके साथ जो दुर्घटना हुई है वो वास्तव में पूरे देश को हिला करके रख दिया। इस महोत्सव में आज हम उन सभी वीर सेनानियों को यहाँ पर श्रद्धांजलि भी देंगे और अपने देश के उनके साथ जो भी हमारे शहीद हुए हैं सैनिक उनको भी शहीद श्रद्धांजलि देंगे। आज बहुत ही पूरा देश दुख प्रकट कर रहा है, दुखी है, क्योंकि हमने जिस जवान को खोया है हम उनको दोबारा आप नहीं ला पाएंगे। बिपिन रावत जी एक ऐसी शख्सियत बन चुके थे जिनसे पूरा विश्व सम्मान भी देता था और उनसे भय भी खाता था, क्योंकि भारतवर्ष को जिस तरीके से उन्होंने एक नई पहचान दी, जिस तरीके से जिनको हम लोग भूले हैं संगठन और राष्ट्र को, संघ को जिस तरीके से उन्होंने एकत्र करके पूरे विश्व में डंका बजाया है, वास्तव में अब हमें उस तरीके से दूसरा वीर ढूंढने में अब हमें समय लगेगा। मुझे लगता है कि हम उनकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, उनकी पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया और अभी हाल ही में आप लोगों को ज्ञातव्य हो कि 8 दिसंबर को तमिलनाडु के किन्नूर में हुई हृदय विदारक घटना, जिसमें कि V-5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 जवान शहीद हो गए, जिसमें कि अभी विंग कमांडर जो है वरुण सिंह अभी मान लीजिए उनका इलाज चल रहा है और जिंदगी मौत से वो लड़ रहे हैं। उनके उपलक्ष्य में उनकी जल्दी से स्वस्थ होने की मंगल कामना के लिए और ये मान के चले हम कि उन शहीदों के नाम दीप प्रज्वलित कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयोजन किया गया है जो चल रहा है। हकीकत में जो ये हृदय विदारक घटना है कहीं ना कहीं सारे हिंदुस्तानियों के हृदय को जो है झकझोर कर रख दिया है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम जो है जानेंगे आज के मुख्य आयोजन का महत्व। सर क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार तिवारी है। जैसा कि सर अभी आप देख रहे हैं कि 8 दिसंबर को जो अपने भारत में एक हृदय विदारक घटना घटी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये और जो यहाँ पर आज आयोजन किया गया है इसका क्या उद्देश्य है और उस दुर्घटना के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या मान? सबसे पहले कि बहुत ही दुखद घटना है हमारे देश के लिए, एक बहुत दुखद विषाद घटना है, इसलिए कि हमारा एक CDS जो थे श्री बिपिन रावत जी वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें कि उनकी पत्नी और भी जवान शहीद हो गए, हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद की बात है।
कारण ये था कि इन्होंने अपने देश को, हमारे भारत देश को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिया। आज चाइना जैसा देश जो कि कभी किसी से नहीं होता था, भयभीत नहीं होता था, आज सीडीएस हमारे श्री बिपिन रावत जी से के रणनीति से, उनकी नीति से, ठीक है, वो हमेशा भयभीत रहता था क्या करेंगे। क्योंकि सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि पहले हमारे देश में तीनों सेनाओं का जो चीफ जो होता था राष्ट्रपति होते, राष्ट्रपति महोदय होते थे। अब जो है ये सरकार ने उसको बदलकर जो है उनको करके जो तीनों सेनाओं का जो हेड जो है चीफ डिफेंस सर्विस में बिपिन रावत जी का बनाया गया है इनको। और एक बहुत ही अच्छी ये सरकार की पहल थी और हमारे लिए आज दुख की बात यह है कि आज वो व्यक्ति इस देश से चला गया। वो कभी पूरी नहीं की जा सकती है। हमारे नैनी भाग के जो है अमृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में एक नाम शहीदों के नाम जो है किया गया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र देख रहे हैं। इस दुखद घटना में किस तरह से लोग जो है अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। सब लोगों को कहना यह है कि हमारे भारत में जो एक शक्ति थी, जो एक ताकत थी सेना की, जो एक मेन कमान थी सेना की, कहीं ना कहीं हमने उनको खो दिया और उस कमी को हम पूरा नहीं कर सकते। और इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कर। सर क्या नाम है आपका? दिनेश, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। आज जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये आयोजन जो संचालित हो रहा है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या किस लिए रखा गया है ये कार्यक्रम? जो अपने देश के बलिदान जिन्होंने देश के लिए किया है, जो स्वाधीनता में जो अजनबी नाम जिन नामों को समाज नहीं जान पाया है, उन नामों की पहचान देने का ये समय है। और इसी क्रम में ये कार्यक्रम पूरे भारत वर्ष में चल रहे हैं, जिससे कि जिन लोगों ने समाज के लिए अपने हमारे समाज को आज जहां खड़े हैं, जिस आज़ादी के साथ खड़े हैं, उस आज़ादी के लिए जिन लोगों ने त्याग किया, उन त्यागों को त्याग कर लिया। और इस क्रम में बहुत नाम ऐसे हैं, अभी देखिए जैसे अभी एक कवि महोदय बता रहे थे, सरकारी भाई सुहेल देव महाराज बिजली पासी, जिनका नाम लोग बहुत लोग नहीं जाने, इस नामों को समाज में लाने के लिए ये कार्यक्रम। कुल मिला के कुछ भारत में कुछ ऐसे भी सुनता सेनानी थे जिनका आज तक जो है नाम सामने उजागर होकर नहीं आया है? नाम थे, विस्मृत नाम था, उनको फिर से स्मरण में लाने के लिए कार्यक्रम चला। अच्छा, विचित्र नाम था तो उनको फिर से उजागर करने का काम किया जा रहा है। और साथ में जो अभी हाल ही में भारत में हुई सबसे बड़ी दुर्घटना जो तमिलनाडु के कन्नूर में हुई है, तो उसके उपलक्ष्य में भी जो है ये नहीं बिल्कुल उनको कार्यक्रम चल ही रहा था अमृत महोत्सव का। देखिए, यह देश सभी का है, लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय भी रहता है हम सभी के बीच में। देश को स्वतंत्र हुए 75वां दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव ये सबके लिए है, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि कभी अदर पार्टियों ने या कभी विपक्ष ने किसी ने भी इसका समर्थन किया हो? नहीं। आखिर किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार के देश में और किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमें आज के दिन में नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अमृत महोत्सव किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्होंने आह्वान किया पूरे देश के लिए कि हम लोग पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाएंगे, और पूरे उत्साह के साथ इसको मनाया जा रहा था। उसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई, तो आज अब हमारा जो कर्तव्य है वो कर सकते हैं, लेकिन यह क्षति हम लोग पूर्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूँ देश के उन मुख्य विपक्षी दलों से जो कि इस देश में राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? क्या ये देश उनका नहीं है? क्या वो अमृत महोत्सव नहीं मना सकते हैं? तो इस तरीके के लोगों के साथ देश को किस तरीके से उनका परिणाम क्या होना चाहिए, यह अब हमें डिसाइड करना है। हमारे देश को जो है अब ये देखना है किस कुल मिला के पार्टी कोई भी हो, लेकिन राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे पूर्व स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वाधीनता सेनानी हैं, बलिदानी हैं, तो उनको भी स्मरण करना चाहिए। और जो भारत सरकार के द्वारा जो अभी आदेशित किया गया है कि अमृत महोत्सव का जो जिसमें कि स्वाधीनता बलिदानियों के नाम जो है मतलब
स्वाधीनता जो अपने स्वाधीनता बलिदानी थे तो उनको याद करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस कमी को जो है पूरी करने के लिए हर पार्टी को आगे आना चाहिए, सब लोगों को आगे आना चाहिए। ये बहुत ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी जो घट गई। बिपिन रावत जी को मैंने पहले भी कहा, अब हम उस तरीके का शक नहीं ढूंढ पाएंगे, वो पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। जो जज्बा था उनके अंदर, जो जुनून था उनके अंदर, वो कहाँ से हम लाएंगे? वो बहुत मुश्किल है। और उनका जो समर्पण था देश के प्रति, पहले सीडीएस थे वो, और उन्होंने जिस प्रकार से पूरे देश को एक मैसेज दिया था उससे पहले कभी नहीं गया। और आज देश जिस तरीके से निडर हो करके हर काम को कर रहा है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं करता था, पहले भी करता था, लेकिन अब उनकी कमी ज़्यादा खलेगी, लोगों भारत को बहुत ज़्यादा खलेगी। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, हम जानेंगे आज के आयोजन का महत्व क्यों और किस लिए रखा गया है। इन सारी बातों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं वेद प्रकाश मिश्रा, तो संयोजक नहीं नहीं जी। जैसा कि आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है, जो ये आयोजन चल रहा है, किस उपलक्ष्य में रखा गया है, इसका क्या महत्व? यह कार्यक्रम देश के 75वां वर्ष के उपलक्ष्य में और स्वामी विवेकानंद के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसको हम अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में हर जिला में हर बस्ती में हर उपस्ती में मना रहे हैं। यह कार्यक्रम हम एक शाम बलिदानियों के नाम का के रूप में मना रहे हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। और जो स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए हैं उनका नाम नहीं आया है, ऐसे उन लोगों के लिए भी यह कार्यक्रम रखा गया है। दुर्भाग्य से इसी बीच हमारे साथ पूरे देश के साथ एक दुर्घटना घटती है, जो 8 दिसंबर को घटती है, जो हृदय विदारक घटना घटती है, जो भी पूरे विश्व के जिसके अंदर भी मानव सभ्यता है वह भी हृदय से मन से रो रहा है। ऐसे सेनानियों के लिए भी हम यह कार्यक्रम रखे हुए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 8 दिसंबर को तमिलनाडु के केन्नूर में हुई हृदय विदारक घटना, जिसमें कि V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 जवान भारत ने खो दिए और वो शहीद हो गए, जिसमें कि एक जवान वरुण सिंह जो कि अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आए। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, तो उनसे जो है मिलाएंगे। सर क्या नाम है आपका? शेषानंद पांडे, मानस नगर शाखा में समरसता प्रमुख की जिम्मेदारी निभाता हूँ। जैसा कि सर जो आयोजन चल रहा है, तो इस आयोजन का महत्व या इसकी महत्वाकांक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज़ादी का 75वीं सालगिरह है और इसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अमृत महोत्सव का नाम दिया है। और ये आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना और तेज हो, और जो सेनानी देश की आज़ादी में योगदान दिए हैं, जो भुला दिए गए हैं वामपंथियों के द्वारा, उनकी लेखनी के द्वारा हम लोग उनको याद कर रहे हैं, उनकी यादों को संजोए जा रहे हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे, इन्होंने बताया कि कुछ बलिदानी भारत के ऐसे भी हैं जो समय के इतिहास में खो गए और जिनका आज तक कोई नाम नहीं आया, तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जो है उजागर करने का काम किया जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े। सर क्या नाम है आपका? अजय सिंह। जैसा कि आज ये आयोजन चल रहा है, तो इस आयोजन का महत्व, इसकी महत्वाकांक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस
आयोजन का अमृत महोत्सव का आयोजन है जो स्वाधीनता के अवसर पर आयोजित किया जा रहा जो 75वां वर्ष है। इसका उद्देश्य है कि हम जनता के बीच में हर परिवार में हर घर में भारत माँ के प्रति और इस राष्ट्र के प्रति स्नेह प्रेम जागरण हो सके, क्योंकि जो हम लोग अपना इतिहास जब पढ़ते हैं, जो हमको इतिहास पढ़ाया गया, कई बार हास्यास्पद इतिहास भी हमको लगता है कि लोगों ने कहा कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। वास्तव में कोई भारत को खोज सकता है क्या? यह विषय लगता है बड़ा ही हास्यास्पद विषय है। तो जो हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को लाड मैकाले की शिक्षा पद्धति पढ़ाएगी, लाड मैकाले ने जब उसमें शिक्षा पद्धति लाई है, उस शिक्षा पद्धतियों के दोष के स्वरूप क्या हो रहा है? हमारा परिवार बट रहा है, हमें देश के बारे में, इसी देश में ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, ऐसे शिक्षक ग्रहण कर रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के इस जेएनयू जैसे विद्यालय में आप सबने भी सुना होगा, देखा होगा, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए यह जो आयोजन किया जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वह कैसे अपने राष्ट्र के प्रति मजबूती से खड़ी हो सके, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं भारत में चाहे सटे हुए जो भी अपने देश है, चीन है, पाकिस्तान है, समय समय पर अपने सीमाओं पर आक्रमण करता है। इस देश को जागृत शक्ति खड़ी करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम लोगों ने 19 नवंबर से इस प्रकार कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो अभी तक हम लोगों ने लगभग 400 स्थानों पर ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम किए हैं जिसमें हजारों हजारों की संख्या में लोगों ने सहभागिता की है। इसी के साथ साथ हम लोग एक राष्ट्र जागरण रथ भी चला रहे हैं, जिस रथ के माध्यम से समाज के हर घर हर परिवार तक वह राष्ट्र को, भारत माता का जो चित्र हम देखते हैं तिरंगा लिए हुए, उसके सामने पूजन का कार्यक्रम करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस राष्ट्र जागरण के अभियान के रूप में 75वां स्वाधीनता का दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज 24। कैमरामैन रवीन्द्रनाथ दीक्षित के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज 24।